हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। तो आज की हमारी लिस्ट होगी टॉप 10 पोकेमॉन्स ऑफ ऑल टाइम। और जैसे कि आपको पता होगा कि पोकेमॉन का सबसे पहला रीजन कैंटो रीजन था, और यही रीजन पर हमारा ये वीडियो बेस्ड है। और कैंटो रीजन में टोटल 151 पोकेमॉन है। तो इतने सारे 151 ऑसम पोकेमॉन्स में से सिर्फ 10 को चूज करके उनकी लिस्ट बनाना काफी मुश्किल था। तो इसी वजह से अगर आपका फेवरेट पोकेमॉन इस लिस्ट में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप उसे कमेंट कर दें और इस वीडियो को एंजॉय करें। सो लेट्स बिगिन। ऑनिक्स एक रॉक टाइप पोकेमॉन है, और आप ऑनिक्स से ज्यादा वाकिफ इसलिए होंगे क्योंकि वो ब्रॉक के पास था, और ब्रॉक शुरुआत से ही एश के हर एक एडवेंचर का हिस्सा बना, जिससे हमें ऑनिक्स की कई सारी एबिलिटीज पता चली। और उसने कई बार अपने दोस्तों को टीम रॉकेट से और भी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। और ऑनिक्स सिर्फ पावरफुल रॉक टाइप पोकेमॉन्स में से एक नहीं, बल्कि वो इस रीजन के सबसे जायंट पोकेमॉन्स में से भी एक है। और अगर एवोल्यूशन की बात करें तो ऑनिक्स अपने एवोल्यूशन लाइन का सबसे पहला फॉर्म है, और वो इवॉल्व यानी कि विकसित होता है स्टीलिक्स में। कैंटो रीजन के 3 स्टार्टर पोकेमॉन्स हैं, बल्बसॉर, चार्मेंडर और स्क्वर्टल। पर जब एश केचम अपना सफर शुरू करता है तब वो इन तीनों में से एक को भी पाने में नाकाम हो जाता है, पर अपने सफर के दौरान उसे स्क्वर्टल मिल जाता है, और स्क्वर्टल उसके सबसे लॉयल पोकेमॉन्स में से एक बन जाता है। पर वो पहले से ही ऐसा नहीं था, बल्कि वो अपने स्क्वर्टल दोस्तों के साथ शहर में लोगों को परेशान करता फिरता था। पर जब एक बार एश स्क्वर्टल को टीम रॉकेट से बचाता है तब ये देखकर स्क्वर्टल इसका पोकेमॉन बन जाता है। एश ने अपनी बड़ी बड़ी बैटल्स में स्क्वर्टल को यूज किया है, और स्क्वर्टल हमेशा उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। और अगर स्क्वर्टल के एवोल्यूशन की बात करें तो वो इवॉल्व होता है वॉर टर्टल में, और उसका फाइनल स्टेज है ब्लास्टोइस। स्नोरलैक्स एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसे हराना और नींद से उठाना दोनों चीजें ही बहुत मुश्किल है, और वह ज्यादातर समय सोने में बिताता है। पर जब वो उठता है तब वो ऑलमोस्ट अनबीटेबल हो जाता है। एश स्नोरलैक्स को ऑरेंज आइलैंड के सफर के दौरान पकड़ता है, पर एश स्नोरलैक्स को ज्यादातर समय प्रोफेसर ओक के पास ही रखता है, और उसे सिर्फ बड़ी बड़ी बैटल्स में यूज करता है। तो स्नोरलैक्स अपने साइज और एबिलिटीज की वजह से कैंटो रीजन के सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक बन जाता है। इस पोकेमॉन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये पोकेमॉन ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ड्रैगनाइट सिर्फ कैंटो रीजन में ही नहीं, बल्कि सारे रीजन की पावरफुल पोकेमॉन में से एक है। वो इतना पावरफुल है कि एश और ड्रेक की ऑरेंज लीग की फाइनल बैटल में ड्रेक की ड्रैगनाइट को हराने के लिए एश को अपने 4 पोकेमॉन्स यूज करने पड़ते हैं, जिसमें थे स्क्वर्टल, टॉरोस, पिकाचू और चारिजार्ड जैसे पावरफुल पोकेमॉन्स। जब ड्रेक का ड्रैगनाइट स्क्वर्टल, टॉरोस और चारिजार्ड को हराकर कमजोर हो चुका था, तब पिकाचू अपना कमाल दिखाता है और उसे हरा देता है। तो इस पर से ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि ड्रैगनेट कितना पावरफुल है, और ऊपर से वो अपनी एवोल्यूशन लाइन का फाइनल फॉर्म है, यानी कि ड्रेटिनी इवॉल्व होती है ड्रैगनेयर में और ड्रैगनेयर होता है ड्रैगनाइट में। गैरेडोस को स्पेशल सिर्फ उसका साइज और उसका डिजाइन ही नहीं बनाता, बल्कि उसका एवोल्यूशन भी उसकी स्पेशलिटी का हिस्सा है, क्योंकि उसका पहला स्टेज है मैजिकार्प, जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन भी माना जाता है। पर जब ये वीक पोकेमॉन इवॉल्व होता है तब वो बनता है एक जायंट ड्रैगन जैसा दिखने वाला पोकेमॉन, और इतना खतरनाक पोकेमॉन टीम रॉकेट के पास आ सकता था, क्योंकि जब एक बार जेम्स को मैजिकार्प मिली थी तब उसने उसे लात मारकर फेंक दिया था, लेकिन दूसरे ही पल वो मैजिकार्प इवॉल्व हो गई और उन पर ही अटैक करने लगी, तो बेचारा जेम्स बदनसीब निकला। भले ही गैरेडोस एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन नहीं, पर उसका डिजाइन और साइज हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसे ड्रैगन टाइप क्यों नहीं बनाया गया। तो नंबर 5 पर आता है और एक स्टार्टर पोकेमॉन, जो है बल्बसॉर। बल्बसॉर एक बहुत ही क्यूट पोकेमॉन है, और क्यूट होने के साथ साथ उसके पास कई सारी एबिलिटीज भी हैं। यानी कि अगर टाइप की बात करें तो बल्बसॉर ग्रास और पॉइजन टाइप है, और बल्बसॉर को सीड पोकेमॉन भी कहा जाता है। जब बल्बसॉर को हमने पोकेमॉन के शो में पहली बार देखा तब बल्बसॉर एक विलेज को और उन विलेज के पोकेमॉन्स को प्रोटेक्ट करता था, पर जब वो एश जैसे कैरिंग पोकेमॉन ट्रेनर से मिलता है तब वो उसका पोकेमॉन बन जाता है, और वो उसे जिम बैटल्स और लीग बैटल्स जिताने में मदद करता है। बल्बसॉर का डिजाइन भी एक्यूरेट माना जाता है, और वो ग्रास टाइप के बेस्ट पोकेमॉन्स में से एक माना जाता है। और अगर बल्बसॉर के एवोल्यूशन की बात करें तो वो इवॉल्व होता है आइवसॉर में, और उसका लास्ट फॉर्म है विनेसॉर।
इस फेरी टाइप पोकेमोन की मेन एबिलिटी आप सभी को तो याद ही होगी, जिग्लीपफ अपने गाने गाकर सभी लोगों को सुला देती थी। लेकिन उसके गानों पर लोगों का सो जाना उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो सबके मुंह पर ड्राइंग करके चली जाती थी और वो हमेशा ऐश का पीछा करती रहती थी और हमेशा ऐश और उसके दोस्त उससे बचने की कोशिश करते। पर एक बार उसका गाना शुरू हो गया तो उसे कोई नहीं बच सकता था, चाहे वो इंसान हो या पोकेमॉन्स। और हमने पोकेमॉन के शो में जिग्लीपफ के कई सारे अपीयरेंस देखे। जिग्लीपफ का बेबी फॉर्म है इग्लीपफ और उसके विकसित रूप का नाम है विग्लीटफ। तो म्यूटू को हम सबसे पहले लेजेंडरी पोकेमॉन्स में से एक कह सकते हैं। और अगर टाइप की बात करें तो म्यूटू एक लेजेंडरी साइकिक पोकेमॉन है। और कैंटो रीजन में और भी कई लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे और सभी के पास बेहिसाब पावर्स थी। और रही बात म्यूटू की, तो उसके कुछ अपीयरेंस पोकेमॉन के शो में भी हुए थे, लेकिन उसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी हमें देखने मिली पोकेमॉन की सबसे बड़ी मूवी में, यानी कि म्यूटू का बदला, जो पोकेमॉन की एनिमेटेड मूवी थी। तो म्यूटू का क्रिएशन म्यू नाम के एक लेजेंडरी पोकेमॉन के डीएनए से हुआ है, पर वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं था, जिससे जन्म हुआ एक अलग पोकेमॉन का। लेकिन वो पूरी तरह से म्यू जैसा नहीं था, पर उससे कम भी नहीं था। जियोवानी जो टीम रॉकेट का बॉस था, वो म्यूटू को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और वो म्यूटू को अपनी लड़ाई के लिए यूज करता है। हमने पोकेमॉन सीरीज में म्यूटू को तब देखा था जब गैरी जिम बैच के लिए जियोवानी से फाइट करने आता है, पर गैरी का कोई भी पोकेमॉन म्यूटू के सामने नहीं टिक पाता। और म्यूटू इतना स्मार्ट था कि वो ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता था और वो सारे लोग जियोवानी के वहाँ से भाग जाते हैं। और रही बात मूवी की, तो म्यूटू का बदला मूवी में वो एक मेन विलेन था, लेकिन मूवी के एंड में वो चला जाता है। तो हमारे नंबर दो पर आता है चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड आज तक के सबसे पॉपुलर पोकेमॉन में से एक है। चारिज़ार्ड का डिजाइन ड्रैगन से काफी मिलता जुलता है, पर उसका टाइप फायर और फ्लाइंग है और इसी वजह से फैंस कई सालों से शिकायत कर रहे हैं कि चारिज़ार्ड ड्रैगन टाइप क्यों नहीं है। पर आखिरकार चारिज़ार्ड के एक मेगा एवोल्यूशन को ड्रैगन टाइप मिल गया। ऐश को अपना चारिज़ार्ड उसके चारमेंडर के फॉर्म में मिला। उस चारमेंडर का पहले वाला ट्रेनर उसके वीक होने की वजह से उसे छोड़ देता है और चारमेंडर की हालत उस वक्त बहुत ही खराब थी, पर ऐश उसे बचा लेता है और उसे अपना पोकेमॉन बना देता है और वो उसे ट्रेनिंग देता है और उसके बाद वो बनता है चारमेलियन। पर उसके ये एवोल्यूशन ने उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस ला दिए, जैसे अब वो ऐश की बातें नहीं मानता था। पर जब एक दिन जब ऐश पर मुसीबत आई, तब ऐश को बचाने के लिए वो चारिज़ार्ड में विकसित हो जाता है और ऐश को बचा लेता है। पर विकसित होने के बाद फिर से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और फिर से वो ऐश की कोई भी बातें नहीं मानता और फाइट में वो अपने हिसाब से लड़ता। पर एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद आखिरकार चारिज़ार्ड ऐश की बातें मानने लगा और ऐश का एक पावरफुल पोकेमॉन बना। पर एक एपिसोड में ऐश अपने चारिज़ार्ड को हमेशा के लिए छोड़ देता है, पर उसकी ट्रेनिंग के लिए। फिर भी कभी कभी चारिज़ार्ड ऐश से मिलने आता। म्यूटू और चारिज़ार्ड, ये दो ही ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिन्हें दो मेगा एवोल्यूशंस मिले हैं, यानी कि एक्स और वाई। तो नंबर वन पर आता है सभी का फेवरेट पिकाचू। पिकाचू सबसे पावरफुल या लेजेंडरी पोकेमॉन तो नहीं, लेकिन हाँ वो सबसे पॉपुलर पोकेमॉन जरूर है। जब ऐश अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तब वो अपना पहला पोकेमॉन लेने प्रोफेसर ओक के पास जाता है, पर ऐश के लेट होने की वजह से प्रोफेसर ओक के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचता सिवाय एक के, जो था पिकाचू। और पिकाचू बन जाता है ऐश का सबसे पहला पोकेमॉन। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन आगे जाके पिकाचू उसे बड़ी बड़ी फाइट जिताने में मदद करता है। ऐश अपने पिकाचू को काफी कड़ी ट्रेनिंग देता है और वो उसे इतना पावरफुल बनाता है कि वो अपने एवोल्यूशन यानी कि विकसित रूप राइचू को भी हरा देता है। और यही नहीं, पिकाचू ने अब तक ड्रैगनेट जैसे पावरफुल पोकेमॉन और दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी हराया है। जब पोकेमॉन की याद आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पिकाचू आता है। और पिकाचू हम सबके लिए इसीलिए खास है क्योंकि वो ऐश का साथ आज तक निभा रहा है और उनका सफर अभी भी जारी है और हर वक्त वो दोनों हर मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं और इसी वजह से पिकाचू हमारे इस लिस्ट में है। सो गाइस, ये थी हमारी लिस्ट। और अगर हमने आपके फेवरेट पोकेमॉन को इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए हैं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि इतने सारे पोकेमॉन्स यानी कि 151 ऑसम पोकेमॉन्स में से सिर्फ 10 की लिस्ट बनाना काफी डिफिकल्ट था। और अगर आप चाहें तो आप अपना फेवरेट पोकेमॉन कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो हमारे लिस्ट में हो या ना हो, तो अपने फेवरेट पोकेमॉन कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको पोकेमॉन्स पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी ये वीडियो को एंजॉय कर सकें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।